हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग मंडे के सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको HDFC बैंक। HDFC बैंक को हम लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? आज अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी मोर देन 1000 पॉइंट का फॉल जो है हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और आज जो है आपको निफ्टी में ड्रैग करने का, निफ्टी को नीचे लाने का जो है सबसे बड़ा वो आपको कंट्रीब्यूटर भी बैंक निफ्टी ही था। बैंक निफ्टी में बहुत ही जबरदस्त फॉल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली चार्ट सेटअप पे, अगर हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक को देखेंगे तो वो 1450 इस लेवल पे कंटिन्यूसली स्टॉक आपको सपोर्ट ले रहा था और कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक उससे पहले काफी अच्छा अप ट्रेंड में था, यहाँ पे एक हम लोगों को एम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है 1450 के लेवल के नीचे ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को डेली एज वेल एज अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को एक काफी अच्छे अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ही आपको नेकलाइन के लेवल के ऊपर जो है यहाँ पे HDFC बैंक क्लोज हुआ है तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा है। अगर यहाँ पे आपको मंडे के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको 1000 पॉइंट का फॉल हुआ है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे फॉल हम लोगों को देखने को मिला था। तो क्लियरली आपको यहाँ पे जो है वन वे फॉल हो रहा है, थोड़ा सा आपको हॉल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही अगर मोमेंटम कंटिन्यू होगा तभी हम लोगों को यहाँ पे जो है एक अच्छा गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग लेवल्स देख रहे हैं, सपोज अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाए, सपोज अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, 1450 के लेवल के ऊपर आपको निकल जाता है तो स्टॉक में हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, वापस से स्टॉक हम लोगों को सेलिंग के लिए मिल सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत स्टॉक में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट में भी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज जो है आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपको इमीडिएटली नहीं शॉर्ट करना है, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे मार्केट को देखना है उसके बाद शॉर्ट करना है। तो चलिए हम लोग HDFC बैंक के लेवल्स को देख लेते हैं। नीचे की साइड 1440 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे इमीडिएटली हम लोग सेल कर सकते हैं। डेट टू की अगर फ्लैट खुलना चाहिए, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मंडे के सेशन में 200-300 पॉइंट और गैप डाउन खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां से हम लोगों को एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इसी वजह से अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे HDFC बैंक या जितने भी बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट है उन सभी में भी रिकवरी देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 1440 के नीचे। ऊपर की साइड हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 1450, 10 पॉइंट का SL रहेगा, 1430-1420 दो टारगेट रहेंगे। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड स्टॉक है ICICI बैंक। इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लियरली जो है स्टॉक 900 के लेवल के नीचे क्लोज करने में स्ट्रगल कर रहा था, फाइनली इसने आज आपको यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे काफी अच्छा जो है एक आपको राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बना है और उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट करने के लिए ही देखेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 878 के लेवल के नीचे। 878 के लेवल के नीचे निकलते हैं इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे आपको इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड जो हम लोगों का यहाँ पे आपको SL होने वाला है, SL हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है 886 का, तो 8 पॉइंट का SL रहेगा और नीचे की साइड जो टारगेट रहेगा 870-862 दो टारगेट रहेंगे। इनकेस आप लोगों को यहाँ पे टारगेट या फिर लेवल्स को नोट डाउन करने में कोई भी परेशानी हो रही है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेटेड लेवल्स मिल जाएंगे।
स्टॉक है आपको एचडीएफसी लिमिटेड। तो एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में भी सेम, जैसा कि हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न हम लोगों को एचडीएफसी लिमिटेड में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी हम लोगों का शॉर्ट साइड के लिए ही व्यू है, तो यहाँ पे भी इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो एंट्री लेवल होने वाला है, हम लोगों का यहाँ पे आपको एंट्री लेवल होने वाला है 2340 के लेवल के नीचे। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे 2340 के लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2358 का, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 2322 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो है वो 2300 का रहेगा। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट में बात करेंगे, इससे पहले याद होगा मैंने आपको 450 के लेवल पे एक बार बताया था, तो स्टॉक जो है 425 का लेवल टच कर सकता है। यहाँ पे 425 का लेवल टच कर दिया है और उसके नीचे भी स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपको 400 के लेवल के अराउंड है, तो स्टॉक में एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट पे, तो इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। इस स्टॉक में हम लोग एंट्री लेंगे 420 के लेवल के नीचे। 420 के लेवल के नीचे जैसे ही स्टॉक यहाँ पे निकलता है इमिडिएटली हम लोग एंट्री लेंगे। ऊपर की साइड हम लोगों का एसएल होने वाला है 425 का, तो 5 पॉइंट का एसएल होने वाला है 415 और 410, ये दो टारगेट के लिए हम लोग इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। लास्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। स्टॉक काफी टाइम से 400 टू 450 के रेंज में जो है यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा था। इनफैक्ट इसका जो मेन कंसोलिडेशन रेंज था वो था आपको 412 टू 450। फाइनली जो है इस रेंज के नीचे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। 400 के लेवल के नीचे भी स्टॉक जो है यहाँ पे क्लोज कर चुका है। वीकली बेसिस पे बात करेंगे, वीकली बेसिस पे बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लेग यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वापस से यहाँ पे पुलबैक लिया, पुलबैक लेने के बाद कंसोलिडेट किया है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 7 वीक स्टॉक कंसोलिडेट किया और 7 वीक के कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में जो है यहाँ पे हम लोगों को एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड जो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपको 300-330 के लेवल पे है, जहाँ पे कि इससे पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को काफी अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का एंट्री पॉइंट होने वाला है, 395 के लेवल के नीचे। 395 के लेवल के नीचे हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड 400 का लेवल हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। नीचे की साइड 390, पहला टारगेट 385, दूसरा टारगेट। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर फ्लैट खुलता है तभी ये सभी लेवल्स जो है आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। इनकेस गैप डाउन में आपको वेट करना है, अपने लेवल्स का पुल बैक होने के बाद ही आपको शॉर्ट करना है। पुल बैक होने के बाद एक निगेटिव साइन मिले तभी शॉर्ट कीजिए। अगर गैप अप खुलता है तो फिर वेट कीजिए प्राइस एक्शन का, उसके बाद जो है आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।